सुंदरलाल की रशियन बीबी को देखकर प्रेमनगर गांव के सारे लड़के विदेशी लड़की से शादी करने लगे। माँ, अब हमारे घर में भी विदेशी बहू है, कुछ दिनों में हम भी अमीर बन जाएंगे। भाई, मेरी वाली अमेरिकन है, मेरी वाली जर्मनी से है, और मेरी वाली ऑस्ट्रेलिया, मेरी तो चाइनीज बीबी है। इधर ये लड़के कुछ भी काम धाम नहीं करते थे, सिर्फ यही सोचते रहते थे कि सुंदरलाल की बीवी की तरह उनकी बीवी भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनकर बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन हफ्ते बीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने सुंदरलाल की कार के सामने फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन तुम्हारे पास तो एक बाईसाइकिल भी नहीं है। ये क्या, इतनी गर्मी है यहाँ, और तुम्हारे घर में एक फैन भी नहीं है। हमारे देश में कितना अच्छा विंटर होता है। मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ इतनी गर्मी में, नहीं तो मेरी लुक्स खराब हो जाएगी। मैंने सोचा तुम लोग अमीर हो, लेकिन तुम्हारे घर में तो सोने के लिए बेड ही नहीं है। यहाँ नीचे मैं सो नहीं सकती, रात में बहुत सारे चूहा और कॉकरोच होते हैं। हमारे वहाँ के लड़कियाँ अमीर लोगों से शादी करते हैं। तुमने मुझे झूठ बोला, मैं कल ही डिवोर्स देकर अपने मायके चली जाऊंगी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत लेकर आ गया तू बेटा। अरे बहू, अगर तू शादी की एक हफ्ते में ही डिवोर्स दे देगी तो गांव के लोगों के सामने हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आप लोगों के पास मुंह दिखाने के लायक है ही क्या। ठीक है बहू, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, घर का सारा काम हम कर लेंगे। फिर ससुर घर की सफाई करने लगा। सास बहू की पैर दबाने लगी और पति रसोई में खाना बनाने लगा। परेशान होकर सब लड़के सुंदरलाल के पास गए। अरे सुंदर भाई, हमें बचाइए, शादी करके हमारी जिंदगी झंड हो गई। हाँ सुंदर भाई, आपको देखकर हम लोगों ने भी विदेशी लड़कियों से शादी की, ताकि सोफिया भाभी की तरह हमारी बीवी भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनकर हमें करोड़पति बना दे। लेकिन करोड़पति तो छोड़ो, जीना ही मुश्किल हो गया है। वो तरह तरह की खाना ऑर्डर देता रहता है और हम रसोई में खाना बनाते हैं। अब आप ही हमें बचाओ इस मुसीबत से। ये तो बहुत बुरा हो रहा है इन लड़कों के साथ। बेटा, बहू ने तो हमारा नाम रोशन किया, अब तू भी कुछ ऐसा कर जिससे इन सब की जिंदगी आसान हो जाए। हाँ सुंदर, माय डार्लिंग, तुम ऐसा कुछ करो ताकि इनकी बीवी का मन यहाँ बस जाए, फिर वो सब भी अच्छे से घर संभाल लेंगे। सोफी मेरी जान, सही कहा तुमने। ठीक है बॉयज, तुम लोग अब घर जाओ, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर सुंदरलाल ने घर की पुरानी एसी को अपने तरीके से रिपेयर करके एक विशाल एसी में बदलकर बिग फुट ट्रॉली के ऊपर सेट कर देता है। सुंदर, माय डार्लिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम इस गांव के सबसे बड़े इंजीनियर हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं बहुत लकी हूँ जो मैंने तुमसे शादी की। जाओ और सबको इस बिग फुट एसी का कमाल दिखाओ। सुंदरलाल उस बिग फुट एसी को पूरे गांव में एक रिमोट से चलाने लगा। और कुछ ही देर में प्रेमनगर गांव में सर्दियां छा गई। ये देखकर सारे लड़कियां खुशी से नाचने लगे।
ओह माय गॉड, कितनी अच्छी मौसम है यहाँ। ऐसा वेदर तो हमारे देश में कभी नहीं होता है। अब मैं इस गांव को और मेरे पति को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। थैंक यू सुंदर भाई। हाँ थैंक यू।